चल। अरे हेलो, मैं कहती हूँ आप है? डॉक्टर है? गाली गाली दी मैंने, हेलो बुलाया। हेलो, हलल के ही आ रहे हैं हम तो। मेरा मतलब यहाँ पे कोई डॉक्टर है? डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर नहीं है, वैद्य है हमारे पिताजी। तो वैद्य मतलब आपके पिताजी हैं? हाँ। किस जगह होंगे हैं? किस जगह घर? घर पे हमारे। तो मेरे को ना थोड़ा जुकाम हो गया, यहाँ पे गांव में आई थी ना तो टस से मेरे को बहुत ज्यादा जुकाम हो गया। कैसे? फीवर हो गया है। फीवर? फीवर? हाँ फीवर हो गया। तो मुझे डॉक्टर दिखाना था, मतलब बुखार। अच्छा बुखार? हाँ। कैसे हुआ था बुखार? हो गया था यहाँ पे, आई टेस्ट वर्स्ट आई है मेरे ऊपर स्लीप बहुत ज्यादा। क्यों होगा बुखार? अब मुझे क्या पता क्यों हो गया। वो आयो कैसे? आप मुझे अपने घर बता देंगे? चलो ना, मिले को देर हो रही है। अरे चलेंगे चलेंगे, मिला अभी ना निकला यार मेला। अच्छा बुखार, बुखार कैसे आया? अब ये तो मुझे नहीं पता है? आप मुझे बता दीजिए आपका घर कहाँ पर है, वैद्य जी कहाँ मिलेंगे? अरे वैद्य मैं हूँ, मुझे दिखा चेक करके। रुक जा, रुक जा रहा था जी का। अरे बुखार चेक करने को बोल रहा है। बुखार चेक कर रहा हूँ। अरे पिताजी का एड्रेस बता दो जल्दी। मिले आप मुझे एड्रेस बता देंगे? हैं? एड्रेस अभी बताएंगे अभी। रुक जा, हेलो कहाँ पल्ले पड़ेगी बताने। ऐसे कोई बुखार चेक करता है क्या? ऐसे हो गए बुखार चेक। अरे आप मुझे एड्रेस बताइए। काय को? अपने घर का बैच जी कहाँ मिलेंगे? लेटो मैं भी तो बैठ दूँ ना। अरे मेरे को देर हो रही, चलना नहीं चलना, लौट जाओगे घर के लिए। अरे एक घंटा हो गया, बाद में चले। रुक जा ना, बाबा एड्रेस दे दो, आ जाएंगी। मुझे एड्रेस दे दीजिए। कहाँ दे दो? एड्रेस, एड्रेस, पता। हाँ पता। हाँ पता। पता? अच्छा अच्छा पता, मतलब मैं देख लेता हूँ ना। तो पता बताओ तो ना। अरे बैठ हो क्या? नहीं हूँ ना मैं, आधा बैठ मैं हूँ, आधा बैठ हूँ। पूरे बैठ तो नहीं हो ना। ला मुझे एड्रेस दो, बता दीजिए कहाँ पर है। आप मुझे घर बता दीजिए कहाँ पर है, ठीक है मैं चली जाऊंगी। बता दीजिए ना। राधा तू रुक जा, मैं बताऊंगा ना। अब तुम्हें पता बताना है ना। चलो पता पता, पीपल वाली गली में लंबरदार बैद। लंबरदार? लंबरदार। नंबरदार? लंबरदार। नंबरदार एक बार नहीं बताओ जाना। नंबरदार लौट जाऊंगी घर। हाँ लंबरदार। अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू। गाली? अरे बैद जी है क्या? अरे बैद जी है क्या? कौन? अरे बैद जी से मिलना है। बैद जी है, आ जाओ। बैठ बेटा बैठ, बैठ। कौन है बेटा तू, पहली बार देखी है गांव में? अरे गांव में ये गली के बाहर जो प्रधान जी है ना, उनकी साली हूँ मैं। जमनलाल? हाँ। उसकी साली है तू? हाँ। बता क्या परेशानी है? अरे मेरे को नजला हो गया है, मतलब दस्त हुए थे पहले। हाँ फिर लेटिंग कैसी आ रही है बता। अरे मुझे दस्त नहीं, मुझे नजला हुआ है, नजला नजला। अच्छा नाक बह रही है? हाँ। मैं समझ रहा था कुछ और बह रहा है। चल कोई बात नहीं, कब से नजला? मुझे हो गए जो 4-5 दिन हो गए जब से गाँव में आई हूँ। बुखार चढ़ा था एक बार? हाँ बुखार आया था लेकिन चला गया, मैंने टेबलेट खा ली थी बाहर से लेके। कौन सी टेबलेट खा ली थी? क्लोफिमोल। कौन सी? बुखार तो तेरा उतर गया ले ली। हाँ। थकान हो रही होगी शरीर में, टूटन बन गई है। हाँ। जुकाम की वजह से तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना? तुझे एक चीज लेनी पड़ेगी। क्या चीज? अरे वो होती है ना गरम गरम सी। अरे क्या गरम सी चीज? गरम सी होती है, मुलायम मुलायम सी होती है, गरम। क्या बोलना चाह रहे बैद जी साहब? कपड़ा डाल के लेते हैं, कपड़ा डाल के। अरे स्टीम? हाँ भाई भपारा। स्टीम स्टीम भपारा ले लियो विक्स का। अच्छा ठीक है, भपारा तुझे बता कैसे लेते हैं? कैसे पता है मुझे? मैं बता दे रहा हूँ फिर भी परेशानी ना हो। ऐसे करके यो बैठ गई, खटिया फटिया मत लियो, जमीन पे बैठ गयो, यो बैठ गई जमीन पे, ठीक है? यूँ करके यूँ करके ऐसे लेटरिन करते हुए बैठती है, ठीक है बेटा? और आगे रख लियो भगोना, भगोने में डाल लियो विक्स खोलते हुए पानी में, ठीक है? और ऐसे करके जो कपड़ा डाल के ऊपर अंगोछा ले गया, अंगोछा ना हो दुपट्टा हो कम्बल हो, यूँ डाल के मुझे घोड़ी बन गई। अरे बैद जी मुझे लेना आता है, सिस्टम ने मुझे आता है। ऐसे लेना है ना बेटा, पूरा नाक की जड़ तक जाना चाहिए, जब भी तेरा नजला दूर होगा। आप मुझे दवा दे, क्योंकि अगर तेरा नजला दूर नहीं हुआ तो इससे तुझे निमोनिया बन सकता है बेटा, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है आप मुझे दवा दे। भपारा लेना आ गया समझ में? अरे
करके दिखा मुझे, मेरे घर मशीन है, ऑक्सीजन मशीन भी, करके दिखा बेटा मुझे, ऐसा काम नहीं बनेगा। अरे बैजी मेरे घर पे है मशीन, कौन सी, वो स्टीम वो ऑक्सीजन मोबाइल लगा लेते हैं, वो भी है और एक और मशीन भी मेरे पे, क्या चीज, एक और मशीन भी है मेरे, मैं मैक्सिंग है का क्या कर रही है पता नहीं, तेरी बात गलत, मेरी समझ से बाहर है, देख ये है टोकरा, हाँ ठीक है, ये उठने से पहले लियो और ये ले दूसरी, ये सोने के बाद, ठीक है, और एक बात बता, नहाते में गीली तो नहीं होती तू, अरे बैठे कैसे बैठो अभी, कौन ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो, ये उठने के बाद सोने के बाद कैसे ले लूंगी मैं, और ये उठने से पहले कैसे, मैं नहीं हूं कहिए बेटा, सुबह जब सूरज उगे जब लेनी है वो, सो यू अब शाम को चंदा ढलने के बाद, अच्छा समझ गई तू, अब जा और क्या कहते हैं, अब दवाई और पैसे, चल मैं प्रधान से ले लूंगा जम्मन लाल, ठीक है कह दूंगा वो अपने आप दे देगा, ठीक है ठीक है ठीक है, और देख अगर परेशानी हो तो दोबारा आ जाइयो, कोई बात नहीं, तेरा घर समझ के आइयो, ठीक है, ठीक है, शादी हो गई तेरी, हाँ हो गई, बच्चे हैं तेरे पे, हाँ एक लड़का है, चल बढ़िया है बेटा, क्यों अब आपके बहू बेटे मुझे रास्ते में लेते हैं, उन पे बच्चे नहीं है क्या, तुझे क्या बताऊं, मैंने अच्छे अच्छे लेटे हुए घोड़े खड़े कर दिए, लेकिन मेरा खुद का खड़ा खड़ा नहीं हो पा रहा, क्या बताऊं क्या परेशानी बताऊं, तुझ पे एक बालक है, तू ही बात करके देख ले, 3 साल हो गए, तीसरी साल लग गई ब्याह को, 2 से 2 हो गए, तीसरी साल लग गई, लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे, वैसे आप तो बैद हो तो दोनों हो सकता है, दोनों में से किसी ना किसी में कोई कमी हो, बेटा कमी तो मैं दूर कर दूंगा, पर दवाई तो खाए आराम घोर दोनों, कोई से दवाई खाने को राजी नहीं है, उससे कहो उसकी लुगाई से तो उसकी जवानी ना ढल के दे रही हूँ, करी मेरा फिगर बेकार हो जाएगा, तो कोई ये बात तरीके की है, अब अरे अब 2-4 साल में हो जाए तो हो जाए, फिर बच्चों में बड़ी दिक्कत आती है बेटा, ये तो है, चल तू कोशिश करियो, तेरी बात समझने की कोशिश कर, मेरी बात समझ जाए, मेरी बुढ़ापे की लाठी तो ये मेरा लड़का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी इस पे भी कोई अच्छा सा बच्चा हो जाए, लड़का बड़का हो जाए, तो इसकी बुढ़ापे की लाठी बन जाएगी, क्योंकि खुद तो है बेवकूफ, बिल्कुल दिया समझ ले, 2 भूख का आँख है, इतनी जमीन छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा, मैं ये सोचता हूँ मेरे मरने के बाद इस औलाद का होगा क्या, ठीक है बेटा है, अच्छा ठीक है भाई जी, मैं चलती हूँ, ठीक है, ठीक है, और सुन अगर इस दवाई से तुझे फायदा ना हो, अभी तो मैंने खाली तेरी नब्ज देखी है, अब तू दवाई खाएगी कुछ ना कुछ, अगर 10% भी वो 10% भी अगर इससे आराम मिले तो तू दवाई लेने जरूर आइयो मेरे पास, ठीक है भाई, और आधी रात आ जाइयो, समझ लो तेरे घर है, ठीक है बेटा, नमस्ते भाई, नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो राधा, हाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मैंने तो खाना खा लिया, अब रोटी दे दे पिताजी के लिए, फिर वही बात लौट फिर के वही बात क्यों दोहरा देते हो, अरे नहीं पिताजी के लिए रोटी ले जानी है ना, एक काम करो वो 2 रोटी बची है उनको रख लो, ले पिताजी, ना तू दे दे मुझे, मैं नहीं दूंगी, अरे तू दे दे, ऐसा है वो पड़ोस वाली वो आई है, मैं जरा मेहंदी रचा लूं अपने हाथ, हाँ जेस में कलाकृति करवा ले, शर्म नहीं आती तुझे, काहे की शर्म आती है, औरत का ये श्रृंगार है ये, अरे चलो हम नहीं मानते, अल्लाह रोटी दे, नहीं मैं मुझसे नहीं पैक होगी, आ जाओ जी रोटी खुद, ना 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 जब तो सुन ऐसा है, पिताजी आएंगे वो खा जाएंगे, ठीक है गरम गरम, हाँ तो ठीक है ठीक है, और मेरे गुब्बारे ढंग से रखियो, झुंझुना वगैरह सब सही रखियो, झुंझुना रखूंगी तुम्हारे बच्चा, पिताजी पिताजी रोटी ला, रोटी ना लेके आया तुम, खाया घर पे, और एक बात बता मुझे, हाँ रात को ये आवाज कहीं आ रही थी, वो मैं पीपनी लेके आया, मुझे झुंझुना, तेरी माँ का झुंझुना मारू, अपना झुंझुना कभी बजाएगा कि नहीं, तेरे खाली पैसे झुंझुने बजाए, नहीं पिताजी गोली खाई तो कल मैंने तुझे बताई ना, पिताजी मैंने ना खाई, क्योंकि रात को आए हम लेट थे तो मैंने ना खाई, मैं सो बेटा वो रात को ले खाने सोने के समय की गोली है, उनमें से 2 गोली लिया कर तुरंत ले ली, ना पिताजी ऐसा ना, अब मैं खेलने की चीज लिया तो खेलता हूँ, जाके जा खेल, है ना खेत का काम कर ले, खंचा खेल कर ले, सही है, पतंग ले आया हूँ, पतंग उड़ाऊंगा मैं, हाँ जा सही है, बाओ रोटी लिया बेटा, बाओ जी पिताजी, रोटी लगा देती बेटा, रोटी पिताजी, हाँ तो आटा तो रखा है, मैं अभी गरम गरम बना देती हूँ, अच्छा गरम मत तो रुक जा अभी, हाँ। एक बात बता बेटा, हाँ पिताजी, रात को मैं ये खाट पे सो रहा था दलान में, हाँ तो ये बताइए आवाज कैसी आ रही थी, पॉपी झंझन झंझन झंझन, ये बात थी, वो है आपका बेटा जो है, क्या हो गया, मेले की पूछो मत, क्या हुआ है पिताजी बताना बेटा, कभी झुंझुना मांग रहे हैं, कभी गुब्बारे मांग रहे हैं, और एक के पीछे तो ऐसे पड़ के वो गुड़िया मांग रहे थे, आंख चिपकाने वाली, मैंने नहीं दिलाई तो जमीन में लेट गए, तमाशा कर दिया, ऐसे बेटा ये बचपन में था, अच्छा जब क्या कहते हैं रात होती थी तो ये जग जाता था, हाँ तो फिर बाद में बीच में लोट मारता था जमीन पे,
और जो कहता था बीच में ही सोऊंगा, इसने अपने बहन भैया पैदा नहीं होने दिया हम खुद ने। अब देख मेरी बात सुन, तू समझदार है, अगर मेरी बात को बुरा माने तो बिल्कुल मान लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है भैया, मेरी तो इच्छा है खाली नाती पोते देखने की। अगर बुरा माननी है तो कोई बात नहीं, रोटी तो इन्हें देगी मत दियो, मेरी तो अब भी ऐसी कट रही है, कम से कम शकल देख के कम से कम चैन की तो खाऊंगा, एक परी खून तो बढ़ेगा मेरा बच्चे को देख के। अब भैया हमारा क्या है, आज है कल नहीं है, 4-6 साल की जिंदगी रह गई है। अब मुझे लग रहा है कि 4-6 साल जो मैं सोच रहा हूँ कि कट जाएंगी, मुझे लग रहा है मैं 4-6 साल भी ना जीऊं। अरे नहीं पिताजी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बेटा बात ऐसी है, ये क्या लगता है, ये बादाम मुनक्का पे मैं ये ताले लगा के रखता हूँ, छुआरों पे ताले लगा के रखता हूँ, ये मैं क्यों लाया हूँ? मैं खाता हुआ देखा हूँ तूने कभी? नहीं पिताजी। तो इन्हें सड़ाने को लाया हूँ मैं? बेटा ये चाहता हूँ कि कल को आज तेरे कुछ भगवान ने खुशी सी दे दी, तेरी गोद सी भरने की कोशिश करी भगवान ने, तो तू हष्ट पुष्ट रहे, कोई कमी ना बैठे तुझमें खून पानी की, तेरे लिए हर चीज की लाने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, पर क्या करूँ मैं मजबूर हूँ, कि मैं अपने औलाद से मजबूर हूँ सबसे पहले। तो करे क्या पिताजी, आप ही बताइए। बेटा देख सुन, तू अगर मेरी बात को समझे और मुझे अपना पिता समान माने, देखे दादा मेरी तरफ मुझसे बात कर। हाँ पिताजी। अगर तू मुझे अपना पिता माने और पिता समान समझे तो एक बेटी के नाते तुझे मैं एक बात समझाता हूँ। जी देख, आज बच्चे हो गए तो हो गए 2-4 साल में, और 2-4 साल अगर तुमने बच्चे नहीं किए या तुम्हारी किसी दुविधा से अगर नहीं हुए तो जिंदगी निकल जाएगी, बच्चे नहीं होंगे। देख पूरा गांव थूकता है मेरे ऊपर, यहाँ दे वहाँ तक चली जाइयो, ऐसा कोई बालक ना जो मेरे हाथ का ना हो, सब मेरी दवाई के पैदे हैं, ये सब चिते बच्चे डोल रहे हैं, अब से क्या यूँ समझ ले 40-40 साल के बालक डोल रहे हैं मेरे हाथ, और मेरे घर में ही औलाद नहीं है। पता पिताजी दुख नहीं होता मुझे? करें तो क्या करें, आपका बेटा तो खुद बच्चा है, हर बात को ऐसे जिद करते हैं, 6 साल का बच्चा जिद करता है, मैं क्या करूं पिताजी, आप ही बताइए। मैं बताऊं तुझे तरीका, मेरी अलमारी तो देखिए दवाई की, हाँ उसमें काले रंग की गोली रखी है जिन पर लिखा है तिलमिली की गोली। काई की गोली? तिलमिली की। तिलमिली पहाड़ी गोली है। अच्छा, वो मैंने अपने हाथ से बनाई है बेटा, उसमें सब तरह की जड़ी बूटी मैंने मिला के रखी है, इसीलिए कह रहा हूँ बेटा देख सुन, तिलमिली की गोली रखी है उसमें, वो मैंने जड़ी बूटी से अपने हाथ बनाई है। अच्छा, उसमें से 2 गोली तुझे शाम को सोने से जब जिस सोने के टाइम पे जाए कमरे में पहुंचे, लोटा भरा दूध, उसमें 4 मुनक्के मिला के, और क्या कहते हैं, और तिल मिला के सफेद पीस लियो, 4 मुनक्के 4 बादाम रोज की रोज पीसियो फुला के, ठीक है, 4 बादाम 4 मुनक्के इतने से तिल, ठीक है, और क्या कहते हैं जौर के बीज मई रखे हैं, जौर के बीज निकाल लियो। अच्छा, हाथ खाल में? हाथ खाल में जौर के बीज डिब्बा रखा है, उस पर लिख रही है जौर के बीज, 4-5 बीज ले लिए जौर के, सब कूट लिए महीन कर लिए, और इसे दे दिए, ठीक है, दूध के साथ और 2 गोली, ठीक है पिताजी, इसे मिला के देती रहे, हाँ भगवान ने चाहे तो 1-2 महीने में तेरी कुछ सुन लेगा, ठीक है पिताजी, ठीक है, और बादाम मुनक्के खोल लियो, खूब खिला, खूब तू खाओ, खूब जिसे खिला जी पिताजी, ठीक है, ठीक है पिताजी, और मुझे रोटी बना दे और आवाज दे दियो, मैं दलान में बैठा हूँ, हाँ अभी बना, जा बेटा। अरे भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते, हाँ कैसे हाल चल है? हाँ हम तो ठीक है, तुम बताओ ठीक हो? और पिताजी से जो दवा ले गई थी फायदा हुआ उससे? हाँ फायदा हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन आप पिताजी से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि मतलब बच्चे बच्चा नहीं करते आप लोग, की प्लानिंग वगैरह मतलब सोचते नहीं हो बच्चे के बारे में। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हाँ सोचा नहीं था, लेकिन आप सोच रहे हैं बच्चे के लिए। बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, वो वैसे गलत नहीं है, मैंने देखा है नोटिस किया है, लेकिन बस वो यही चाहते हैं कि उनको पोता पोती के बच्चे मतलब मुंह देखने को मिल जाए बस। हाँ, कोई बूढ़ा यही सोचता है बस। हाँ बड़े बूढ़ों का यही तो होता है कि शादी होती फिर बच्चे बच्चे देखने का मुंह होता है, तो बस अपनी चल रही है ऐसी प्लानिंग। और बताओ तुम्हारी शादी वादी हो गई ना? हाँ मेरी शादी हो गई, मेरे पे एक बेटा भी है। अच्छा बेटा है? हाँ। कितने महीने का है? अब 1.5 साल का है। अच्छा 1.5 साल का है, चलो बढ़िया है। और सास ससुर सब ठीक है घर पे? हाँ मेरे सब अच्छे हैं, बस मैं तो तुमसे यही बोलना चाह रही थी, बस थोड़ा ससुर जी की बात मानो अपने की। अच्छा अच्छा, बेचारे बहुत सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं इसी चीज़ को, वैसे मैंने देखा है। हाँ नहीं वो तो बात है, हम मानते हैं उनकी बात, लेकिन बस वही था, एक तो घर का माहौल ऐसे ही चल रहा था, काम में उलझ जाते हैं, और उनका ही तो जानती हो तुम, थोड़ी बाली बुद्धि है उनके अंदर। चलो कोई नहीं, आ जाएगी थोड़ी तो संभल जाएंगे। हाँ तो अभी तो रुकोगी तुम, चली जाओगी भी? नहीं अभी तो 10-15 दिन रुकूंगी मैं। हाँ जब आई हो इतनी दूर से तो रुकना तो पड़ेगा।
बिल्कुल चलो बढ़िया, आना कभी किसी दिन घर पे। हाँ बिल्कुल, है ना, ठीक है भाभी, बिल्कुल। नमस्ते भाभी। नमस्ते। एक महीना तो हो गया दवा पिलाते पिलाते, पिताजी तो कह रहे थे बहुत जल्दी असर करेगी, देखो भगवान करे शायद। अरे सुनते हो, कहाँ चले गए रात में? अरे क्या बात है, क्या कैसे हैं, कहाँ निकल जाते हो? अरे यहीं पे तो बैठा हुआ था, बाहर बता। लो पी लो ये दवा। अरे यार ये खड़ी सी पुड़िया क्यों बुला दिया मुझे, मुझे अच्छी नहीं लगती ये। वैसे कुछ भी सही अच्छी है ना, वैसे एक बात बताऊं है मजेदार, मजा आ जाता है पीने के बाद में, सही कसम से मैं पीता हूं इसे। चले अंदर। पिताजी, हाँ पिताजी, क्या चल पिताजी, क्या चिल्ला रहा है? क्यों कह रहा हूं, आप बाप बनने वाले हैं? बाप बनने वाला हूं? अबे बाप तो मैं कब का बन गया, तू जैसे पैदा कर तो दिया मैंने इतना लंबा थोड़ा आदमी। आप दादाजी बनने वाले हैं? है? देख लो मैंने कर दिखाया कारनामा, दादा बनने वाला। हाँ सही में। हाँ पिताजी। है पिताजी रो रहे हैं? खुशी के आंसू है बेटा। ये बता ये खुशखबरी तुझे दी किसने? अरे आपकी वो बता रही बहू। क्या कह रही? यूं कह रही कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ। जा जल्दी जा। कहाँ जाऊँ पिताजी? ये ले खोल दे ताला बक्से का। हाँ ठीक है, बादाम मनक्के ठिकाने। हाँ जा खा जाओ, खा ले तू भी, खा दू। तू मत खाइयो, तूने तो अपना खा के काम कर लिया, अब बहू को खिला बेटा। खवा दू? खवा। ठीक है दादा बनूंगा मैं। दादा।